नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक मदर टिंचर पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे कॉमन होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में और इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर अमित, आपका शरण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, होम्योपैथिक मदर टिंचर के थर्ड पार्ट की पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है एसिड फोस, जो कि आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, एसिड फोस कमज़ोरी यानी कि वीकनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। चाहे आपको फिजिकली, चाहे मेंटली किसी भी तरह की अगर आपको कमज़ोरी रहती है, तो उसको कवर करने के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। या फिर आपको कोई बीमारी है, लंबे समय से चली आ रही है, जब आप ठीक हो जाते हैं तो आपके शरीर में कमज़ोरी क्रिएट हो जाती है, कोई मेडिसिन आप खा रहे हैं लंबे समय से, तब भी आपको ये समस्या हो जाती है वीकनेस की कवर। किसी भी तरह की समस्या के कारण अगर आपको कमज़ोरी हो जाती है, या फिर कमज़ोरी के कारण आपके बाल गिर रहे हैं, या फिर आपके बाल जो उनका कलर चेंज हो रहा है, उन सभी समस्याओं में एसिड फोर्स के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है ब्लाटा। दोस्तों, ब्लाटा अस्थमा कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये हमारे लंग्स के ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, स्पेशली अस्थमा कंडीशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है होम्योपैथी में। दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है बैप्टीशियम। और दोस्तों, अगर आप होम्योपैथी के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा बैप्टीशियम जो है टाइफाइड के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। अगर किसी को भी अगर टाइफाइड की फीवर रहती है और कई तरह के आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ठीक नहीं हो, तो वहाँ पर बैप्टीशियम बहुत ही रामबाण इलाज है होम्योपैथी में। दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है सिंकोना, जिसे कि हम चाइना के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, चाइना कमज़ोरी के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है उन कंडीशन में जब हमारे शरीर से लिक्विड निकल जाता है, जैसे कि किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, कोई इंजरी के कारण ब्लड निकल जाता है शरीर से, और इस लिक्विड के निकलने के कारण जो कमज़ोरी हो जाती है शरीर के अंदर, उसको चाइना बहुत ही अच्छे से कवर करती है। और भी कोई अदर प्रॉब्लम के कारण अगर कमज़ोरी क्रिएट होती तो उसको भी बहुत अच्छे से कवर करती है। दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कास्करा सैग। दोस्तों, कास्करा सैग हमारे डाइजेशन यानी कि हमारी आंतों से रिलेटेड समस्याओं में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, और मेरे क्लिनिक में ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से रिलेटेड केसों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन साइडोनिया बल्गेरिस। साइडोनिया बल्गेरिस ये मेल्स जेनाइटल ऑर्गन यानी कि जो पुरुषों का पर्सनल पार्ट रहता है उसमें यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। साइज़ को इंक्रीज़ करता है और साथ में जो फंक्शनिंग डाउन हो जाती है उसको भी इंक्रीज़ करने में इसका मेल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है इसकी क्रेटागस। दोस्तों, क्रेटागस जो कि एक हार्ट टॉनिक मेडिसिन होम्योपैथी में, इसको हार्ट टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप एज ए प्रिवेंशन यूज़ करना चाहते हैं, हार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई शिकायत ना हो इन फ्यूचर, तब भी इसका यूज़ किया जाता है, या फिर आपको बीपी या कोई अदर प्रॉब्लम जो हार्ट से रिलेटेड है तो उनको भी ये कवर कर देता है। इसको हार्ट टॉनिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है ग्वेकम। दोस्तों, दर्दों की बहुत ही बढ़िया दवाई, और मेरे क्लिनिक में दर्दों में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करता हूँ। जब भी किसी को गठिया कोई अदर समस्या हो जाए तो मैं इसको कॉम्बिनेशन में ग्वेकम को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ दर्दों के लिए, तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जेनेटेनिया ल्यूट। दोस्तों, जिन पर्सन को भूख बिल्कुल नहीं लगती, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग, जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती, तो हमारी एपेटाइट यानी कि भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है जेनेटेनिया ल्यूट। दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रास्टिस। दोस्तों, हाइड्रास्टिस हमारे बॉडी के अंदर जो भी म्यूकस लेयर रहती है, मेम्ब्रेन रहती है, झिल्ली जिसे कहते हैं, अगर वहाँ पर कोई भी तरह का इन्फेक्शन या ड्राइनेस या कोई भी समस्या क्रिएट, उसको कवर करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और साथ में मेरे क्लिनिक में कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, जिसमें कि हाइड्रास्टिस और कास्करा सैग को कॉन्स्टिपेशन के समय में बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जबोरंडी। दोस्तों, जबोरंडी जो है हेयर प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। किसी के बाल जो गिर रहे हैं यानी गंजेपन की शिकायत है, या फिर बाल जो उनका कलर चेंज हो रहा है, या फिर उन बाल की ग्रोथ से इसमें, तो बालों से रिलेटेड समस्या में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। साथ में किसी को बहुत ज़्यादा पसीना पड़ता है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों कंडीशन में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कालमेघ। और दोस्तों, कालमेघ हमारे लीवर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, स्पेशली बच्चों में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। किसी को पीलिया है, भूख नहीं लगती है, या फिर पेट के अंदर गर्मी महसूस हो रही है, कोई भी अगर लीवर से रिलेटेड समस्या देखने को मिलती है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा
अच्छे रिजल्ट देती है काल में, और स्पेशली बच्चों में मैंने अपने क्लिनिक में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को देखे हैं इस मेडिसिन के। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है मिलीफोलियम। दोस्तों मिलीफोलियम एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जब आपके शरीर से खून बहुत ज़्यादा निकलता है और आप बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करो और खून बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में मिलीफोलियम बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। एज ए इमरजेंसी मेडिसिन काम करते हैं मिलीफोलियम, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन ऑसमम सेन यानी कि तुलसी। और तुलसी के बारे में आप सब जानते हैं कि तुलसी का क्या काम रहता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, साथ में ब्लड को प्योरीफाई करती है, और भी बहुत सारे इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। स्किन से रिलेटेड कंडीशंस रहती हैं जो प्रॉब्लम है उनको भी ये अच्छे से कवर करती है। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन पैसिव फ्लोरा। दोस्तों पैसिव फ्लोरा हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए और जो हार्ट से रिलेटेड समस्या रहती है उनको भी मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। साथ में अगर किसी को इंसोमनिया यानी कि नींद की शिकायत है, नींद नहीं आती है प्रॉपर तरीके से, तो उसको भी कवर करती है। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है प्लैंटिगो। दोस्तों प्लैंटिगो ज़्यादा यूज़ होती है दांतों से रिलेटेड कंडीशन में, दांतों में दर्द हो रहा है, कीड़ा लगा हुआ है या कोई अदर समस्या हो रही है, ठंडा पानी लग रहा है, गर्म पानी लग रहा है, तो ऐसे केसेस में दांतों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसको इंटरनली भी लिया जाता है और एक्सटर्नल यानी कि कॉटन के साथ उस दांत में भी लगाया जाता है, तो ऐसे केसेस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है सिम्फाइटम। तो जो सिम्फाइटम का जो यूज़ होम्योपैथी में किया जाता है वो किया जाता है बोन फ्रैक्चर यानी किसी की अगर हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए सिम्फाइटम का यूज़ किया जाता है, तो इसको हम ग्लू के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये हड्डियों को जोड़ने का बहुत अच्छा काम करती है होम्योपैथी में। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन टिक्यूरियम MB, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है नेजल पॉलिप्स केसेज में और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और भी कई केसेज में यूज़ की जाती हैं ये मेडिसिन, परंतु ज़्यादातर नेजल पॉलिप्स में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बिथनिया सोमनीफेरा यानी कि अश्वगंधा। और अश्वगंधा के आप बारे में आप जानते हैं, हमारे फिजिकली और मेंटली वीकनेस को कवर करता है, साथ में जो पर्सनल लाइफ रहती है यानी कि जो हर पर्सन की पर्सनल लाइफ रहती है उससे रिलेटेड उनकी जो फंक्शनिंग अप डाउन हो जाती है तो उसको भी ये कवर करती है। और दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन योहिम्बियम। दोस्तों योहिम्बियम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम से, अगर किसी का जो डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है या कोई अदर समस्या रहती है यानी पर्सनल लाइफ प्रॉपर तरीके से इंजॉय नहीं कर पाता है, टाइमिंग कम है, किसी भी तरह की समस्या है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। परंतु ध्यान रखिए जब भी अगर किसी को गैस्ट्रिक की शिकायत रहती है तो वो पर्सन यूज़ ना करें, क्योंकि कुछ केसेस में देखा गया कि योहिम्बियम गैस्ट्रिक की समस्या बढ़ा देती है। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे क्लिनिक में यूज़ होती हैं।